तो भाई आज के इस वाले गेम प्ले में कुछ बहुत ही ज्यादा रिच प्लेयर थे एंड कुछ यूट्यूबर्स भी थे इसी वाले मैच में। एंड सामने आपको एक कार आती हुई दिखती होगी एंड उसी के सामने भगता हुआ अल्टीमेट फेरो एक्सूट यहाँ पे भगता आता है, मेरे पास रुकता है बंदा। एंड जैसे मैं मूव करता हूँ बंदा मेरे को दिखा के भागने लग जाता है। मैं बोलता अरे तेरे पास ही नहीं, हमारे पास भी है, रुक इधर। बट बंदा भागने लग जाता है। एंड इस वाले बंदे के पास रेड वाली बुगाटी भी है एंड बहुत ही सारे रिच प्लेयर्स इस वाले ही मैच में है भाई। ये वाला गेम प्ले सीरियसली देखना बहुत इंटरेस्टिंग हुआ तुम्हारे लिए। तो भाई मैं तो बोलूंगा अभी से अभी फटाफट से लाइक कर दो, सामने रेड बुगाटी आती हुई दिखेगी तो भाई जरूर से लाइक कर दो। एंड ये सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, भाई सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस वाले मैच में बहुत ही गंदी लेवल की फाइट होने वाली है। एंड काफी टाइम तो मेरी ऐसी हालत हो जाती कि भाई मैं बोलता भाई बस निकल जाओ यहाँ से, मारो मत, चुपचाप यहाँ से निकलो क्योंकि बहुत ज्यादा बंदे आते हैं। ये पीछे फेरो और आई थिंक ब्लड ड्रैगन भी साथ में मुझे लग रहा है, बट कोई ना, सबसे पहले आप उतरते हैं। एंड अब जस्ट सामने हमारे उतरे हुए थे फेरो वाली टीम एंड वही साथ में एक शायद ब्लड ड्रैगन भी उनकी। ना भी तो यार मुझे प्यार से 3 से 4 किल फ्री के मिल जाते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने लालच कर दी एंड चल दिया मारने इन बंदों को मैंने। बट उतने में पता लगता है पीछे तो और 2-3 बंदे हैं। एंड ये देखो बंदा दुबई का है एंड इसके पास ही ऐसे वो फेरो एक्सूट है। बट ट्राय से ये बंदा निकाल चुका है क्या, या फिर जिन जहां पे मैं फाइट ले रहा था शायद यहां पे वो थर्ड पार्टी में फिनिश तो नहीं हो गया क्योंकि मैंने देखा जाते हुए यहीं पे। अभी देखते हैं, अभी तो इवेंट में बहुत सारे बंदे, अब कहां है वो, कहां क्या कर रहा है। बट अभी कुछ बंदे यहां पे भी कैंप कर रहे हैं। भाई बेचारे को गन नहीं मिली थी, चुपचाप बैठा हुआ था एंड मैं इसी बीच कूद जाता हूं इनको मारने के लिए। एंड अगर किल फीड पे ध्यान दे रहे हो, अब ये किसका नॉक है भाई, इतने सारे फ्री किल्स मिल रहे तो क्यों ना उठाया जाए। एंड इस वाले ही मैच में कुछ चाइनीज बंदे भी हैं जो कि उस दुबई वाले बंदे के साथ साइड से खेल रहे हैं एंड उन सबका नाम एक जैसा है। चढ़ के मार रहे ऊपर से, नेट के पास जो जगह होती है ना वहाँ बैठा है नेट के नीचे। यहाँ पे एक बार किल फीड पे ध्यान दो, इस बंदे ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया एंड ये वही है शायद से, ये वही फेरो वाला तो नहीं है। बट अभी आगे हम देखेंगे कहाँ पे कौन सा है, लेकिन यहाँ पे इसके टीममेट जो थे पीछे से कवर देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एंड यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ ग्रेनेड हम यूज कर सकते थे क्योंकि देखो सामने जाएंगे तो सामने इसकी टीम पूरी बैठी है, तो मैं थोड़ा साइड हट लेता हूँ यहाँ से एंड अब यहाँ से मैं ग्रेनेड करने वाला हूँ। वही बंदा है एंड इसी की टीम का ही देखो एक चाइनीज बंदा भी जो एकदम ग्लेशियर चला रहा है एंड इसकी टीम को तो एक को नॉक कर दिया है, बाकी इसकी टीम पूरी पीछे ही बैठी है। अब देखें ये कहां कहां पे है, बट इसको पहले फिनिश करना होगा। अबे कोई और पे नहीं है, उसकी क्रिएट नहीं है, कोई और बंदा है। बट अब जैसे इस घर में घुसता हूं ना, अब देखो क्या होगा मेरे साथ। बंदा था क्या कैंपर, बस ऐसे ही बंदे हमारा गेम प्ले खराब करा देते भाई। मुझे लगा कोई है ही नहीं, मैं हल्का सा दिखाई बंदा मैंने प्रीफायर दिया। अब जैसे जैसे थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे अब देखो क्या होगा, पीछे से बंदे पूरी टीम आ गई। अब ये पूरी टीम कौन सी टीम है अब कुछ नहीं कह सकते, बट इस मैच में कुछ यूट्यूबर्स भी हैं तो अब देखते हैं उन यूट्यूबर्स से कहां फाइट होती है और कैसे फाइट होती है। बट मेरा टीममेट चढ़ गया रश करने, नाइस नाइस, चलो सीधा जाएंगे। देखो यहाँ पे इस यूट्यूबर की टीम के दो बंदे हमने मार दिए थे, लेकिन अब वो दो बंदे जो थे इतना गंदा कैंप करेंगे मुझे आइडिया नहीं था। अब देखो होता क्या है, मुझे लगता है कोई है ही नहीं इस घर में एंड फुटस्टेप भी नहीं आते। दे दिया नीचे बैठा है, दे
बंदे बैठे हैं, एक और है। शाबिश भाई ने गेमिंग करके कुछ तो नाम लिखा था, तो मैंने बोला भाई ये बंदे क्या कर रहे हैं, मतलब ठीक है अच्छा खेलो थोड़ा। अब हाँ ये भी है कि हमारा जो लेवल है थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, लाइक एस डोमिनेटर पे आने वाले हम, एंड आई थिंक एस डोमिनेटर हो चुका है आज मेरा। तो भाई एस डोमिनेटर पे सारे बंदे रैंक पुश कर रहे हैं, एंड हम ग्लोबल लॉबी में रैंक पुशिंग लॉबी में ऐसे किल्स करेंगे तो भाई सामने वाले बंदे तो कैंप करने पे मजबूर होंगे ही। बाकी तो अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। एंड यहाँ पे दुबई वाला बंदा जो था वो शायद से अभी आगे उतरेगा भी, एंड हमारी फिर से फाइट होने वाली है। बट ये देखो उतर के मार भी रहा है यार, मैं बोल रहा हूँ उतर के मारूंगा, वो फाइट ले रहा है, एंड उसकी टीम फिर से चमकाना शुरू कर चुकी है भाई। अब जो होगा असली फाइट होगी भाई, बहुत मजा आने वाला है। बाकी तो ऐसे निकलते भाई साहब, चमका ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें यार, मतलब हमारी बारी आएगी। रुको लो, जिनको अभी मारा था ना लोगों ने, ये वही बंदे है, एंड इन्होंने ग्लेशियर चमकाना शुरू कर दिया। अब भाई साहब मैंने बोला भाई क्या चल रहा है इस मैच में, मतलब इतने सारे बंदे हैं एंड इतने सारी लॉबी इतनी तगड़ी आई है कि भाई मजा आएगा इस वाली मैच में खेल के। बट यहाँ पे सबसे पहले अपने डासे को बुलाते हैं, यहाँ पे गाड़ी में बैठते हैं एंड चल देते हैं आगे। एंड अब जो मेरे साथ बहुत ही गलत सीन होगा, यहाँ से जिस साइड से आप जा रहे हो ना उसी साइड से बंदा बैठे हुआ। अरे 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 इधर ही है, ड्राइव किया था। अब यहाँ पे हो जाता है बहुत गलत वाला सीन। अब यहाँ पे डीवाई को बोलता है ड्राइव कर, मैं इसको मारता हूँ, लेकिन नहीं यहाँ पे ड्राइव ना करके उसने भी मारना सही समझा। मुझे पता था अपार्टमेंट से पढ़ने वाली है, तो मैंने इसीलिए बोल दिया था ड्राइव करने के लिए। बट कोई ना, अब है भाई यहाँ पे रेवेंज टाइम, अपना बदला लेने का। तो फटाफट से यहाँ पे हम रिकॉल हो जाते हैं, रिकॉल होके मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई, अब मुझे अपार्टमेंट वालों को मारना है, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए मैं घुसूंगा अकेले, चाहे मेरे को अकेला जाना पड़ जाए। अब यहाँ उधर था पोचंग की साइड कोई गाड़ी नहीं थी, तो मैं बोलता क्यों ना स्लाइड यूज करके यहाँ से हम जाएं, एंड उस अपार्टमेंट वाली को पूरे को मारना है मेरे को। देखो कोई लूट भी नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, एंड सीधे भगता हूँ यहाँ पे अपार्टमेंट में। तभी मेरे टीममेट्स होते हैं पीछे से गाड़ी लाते हैं, मैं बोलता कोई ना चलो अब डायरेक्ट रश करने की बारी है यहाँ पे अपार्टमेंट वालों पे। अब वापस गाड़ी लेके लगा देता हूँ, एंड कोई अभी लूट नहीं हुई, ऊपर जाके एक UMP मिल जाती है मेरे को। एंड ये देखो ये वही बंदे जिन्होंने मेरे को मारा था अभी, बाकी तो रुको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत UMP मिल जाती है, एंड एक बंदे का फुटस्टेप आता है जो कि इस घर के बालकनी में, सामने अपार्टमेंट है ना, थोड़ा सा एरिया होता है जहाँ से हम देख पाते हैं, वहां पे था। तो ये ग्रेनेड क्या कनेक्ट होगा उसे, और ऊपर चलो चले चलते। फाइनली मैंने अपना बदला पूरा किया इस बंदे को मार के, आई थिंक दीपू करके इसका नाम था, इसी ने फिनिश किया था शायद से मेरे को, मुझे जहाँ तक आइडिया इसका नाम आया था किल फीड पे, एंड मेरे को फिनिश कर दिया 1v3 शायद अकेले इसने कर दिया था 1v3 हाँ आई थिंक। एंड यहाँ पे मैंने भी अकेले आगे 1v3 कर दिया, बाकी अभी बहुत बंदे बाकी हैं जिनसे हमारी आगे फाइट होने वाली है, एंड अभी तो और भी मजा आने वाला है इस मैच में। बाकी ये देखो किल फीड, एंड ये बंदा अभी जिंदा है, अभी चाइनीज जो बंदा था वो जिंदा है भाई, इसका फ्लैग देख के भाई अभी भाई अभी ये भी लो उसने इस चाइनीज को भर दिया भाई साहब, अब गलत सीन हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पीछे कुछ बंदे थे, एंड वो यूट्यूबर की टीम ही थी। ऊपर रहो, जोर से दिख रहे हो यार, ये वही था। यहाँ पे इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, एंड इसके बाद बगी में बैठ के अपना निकलते हैं यहाँ से कूप निकालते हैं, एंड निकलते हैं यहाँ से क्योंकि मुझे घूम घूम के मारने का शौक था। तो यहाँ से आता हूँ भाई, ये रहा ग्लेशियर वाला भाई, अरे इसकी बहुत गंदा HP लेगा मेरा ये, बट कोई ना। ओके डीवाइन ने उसे नॉक कर दिया, सबसे पहले यहाँ पे हील करता हूँ मैं, हील करने के बाद भाई यहाँ पे मेरे जो कूप में था फ्यूल था नहीं, तो मैं डीवाई की बगी लेता हूँ, एंड डीवाई बोलता है काम कर कवर दे मेरे को, मैं ट्राई करता हूँ उनको मारने का, क्योंकि भाई देखो ये सारे ओपन में लेटे हुए हैं, कुछ आइडिया नहीं कौन कहाँ पे है। तो सबसे पहले ग्रेनेड्स खींचेंगे हम, नेट करो स्मोक, डैमेज है, डैमेज है, मेरे सामने ही है, कहीं पे लेट गया, सामने लेटा है कहीं पे। तो अरे अरे भाई मानना पड़ेगा भाई, सारे के सारे बंदे ऊपर में लेटे हुए हैं भाई, पता नहीं इसको मैं नॉक वाले को फिनिश किया क्योंकि वही दिख रहा था, ये लेटा वाला बंदा तो दिख भी नहीं रहा था मेरे को। बट कोई ना, यहाँ पे इनकी टीम को हमने इजीली फिनिश कर दिया। बट अब आगे ही बचे हैं कुछ और बंदे, एंड एक बगी ले गई जो ही हमारे साथ गलत सीन होते होते बस आने की तरह से गेम ओवर हो जाती मेरी यहाँ पे। वो कैसे देखो खुद, अरे नहीं
भाई उसके मुंह पे हो गए थे दोनों। यहाँ पे वेब शूटर यूज करके मैं चला तो जाता हूँ छत पे, लेकिन भाई वो भी छत पे ही था। एंड यहाँ पे जैसे हम रुकते हैं, अब एक बंदा आता है यहाँ से भगता हुआ, एंड वो स्लाइड यूज कर रहा था, आवाज आ जाती है मेरे को। अब देखो एक बंदा बच रहा था, एंड अब मुझे आइडिया नहीं वो कहाँ था, या तो फेरो वाला हो सकता है, तो कोई पता नहीं। अब यहाँ पे काफी ढूंढते हैं बंदों को, हम मिलते ही नहीं है बंदे, बट हाँ एक कह सकते हैं, या तो फेरो वाले बंदे ने अपना फेरो सूट चेंज कर लिया था आखिरी में हमको देख के, या फिर क्या किया मुझे नहीं आइडिया, बट आखिर में ये बंदा हमको यहाँ पे एक लेटा हुआ दिखा। अब इसको फाइनली फिनिश करते हैं, एंड इसी के साथ इस डोमिनेटर लॉबी में हमने 18 किल्स किए। तो गाइस एक बार लाइक गेम रखते 8000, 18 का 1 हटा दिया हमने, 8 लिखा सिर्फ, 8000 लाइक्स कंप्लीट हो पाएंगे क्या? नीचे लाइक करके कमेंट कर दो जल्दी से, जल्दी भाई जल्दी। लव यू गाइस, बाय बाय।